सो गाइस, अगर आप भी यहाँ पे बिजली चोरी करते हैं तो अब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सावधान होने की आवश्यकता है। जी हाँ गाइस, मतलब यहाँ पे क्या है, यूपी पीसीएल की तरफ से एक ऐसी न्यू वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च की गई है जिसके जरिए क्या कि अब कोई भी एक नॉर्मल बंदा आपकी बिजली चोरी की कंप्लेन को बड़ी आसानी से अपने फ़ोन से कर सकता है। जी हाँ गाइस, मतलब क्या है कि एकदम गुमनाम तरीके से कर सकता है। मतलब जो आपकी कंप्लेन करेगा उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, वो एकदम गुमनाम रहेगा। आप ये भी नहीं जान पाएंगे किसने मेरे बारे में बताया, कैसे उनको पता चला कि मैंने यहाँ से कटिया जोड़ करके रखी हुई, यहाँ से मैंने तार को कट किया है। मतलब क्या गाइस, मतलब जो कंप्लेन करने का प्रोसेस है बहुत ही आसान प्रोसेस है। और मतलब है क्या उसमें कि मतलब जो कंप्लेन करेगा वो वीडियो बनाकर भी डाल सकता है उसमें कि यहाँ से इसकी कटिया ऐसे जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ यहाँ पे उसे डाल सकता है। दूसरे दिन बिजली विभाग वाले लोग आएंगे और आपका यहाँ भैया चालान वालान काट करके चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी किसी की कंप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी से जलते वलते हैं, अगर कंप्लेन करना चाहते हैं कि चोरी कर रहा है मैं बताऊंगा, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे उसे बता सकते हैं। तो कंप्लेन करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एक भी स्किप किया मैं देखना, गाइस अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आकर के सर्च कर देना है बिजली मित्र UPPCL.org, ठीक है, इतना टाइप करके यहाँ पे आपको इसे सर्च कर देना है। बाकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे ये वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे लिखो गुमनाम रहकर बिजली चोरी की जानकारी दें, विद्युत निगम का उपभोक्ता हित में जारी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शिकायतकर्ता को अपना नाम पता व मोबाइल नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे कंप्लेन करना है किसी दूसरे की तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं, मतलब कि आपका यहाँ पे कुछ भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी कोई भी जानकारी नहीं ली जाएगी, शिकायतकर्ता का जो है उसको नाम या मोबाइल नंबर कुछ भी आपको नहीं देना है। तो आपको यहाँ पर शिकायत कैसे करनी, कंप्लेन कैसे करनी, यहाँ पे लिखा हुआ बिजली चोरी की शिकायत करने हेतु क्लिक करें। तो आपको सिंपल से इस वाले में क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे पहले वाले में आपको क्या डालना है, यहाँ पे लिखो बिजली चोरी करने वाले का नाम यदि उपलब्ध हो तो, ठीक है। तो जो बिजली चोरी कर रहा है अगर आपको उसका नाम पता है तो उसका नेम डाल देंगे, ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसे खाली छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा बिजली चोरी करके स्थान का पता, तो यहाँ पे ये अनिवार्य है, यहाँ पे मतलब जिस गांव में बिजली चोरी हो रही है उसका नाम यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है, तो ये अनिवार्य है, ये खाली छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो जिला चुने, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मतलब चोरी किया जा रहा है आपका, जो कानपुर देहात या बागपत कुछ भी लगता है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे तीसरे चौथे वाले फील्ड में फिल करना है, यहाँ पे लिखो अन्य विवरण जैसे लैंडमार्क बिजली चोरी के विषय में सूचना आदि उपलब्ध हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको वो सारी चीज़ें फिल कर देनी है कि जैसे मान लीजिए कहाँ पे मतलब चोरी हो रही है, मतलब उन्हें कैसे आना, सारी चीज़ें एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपको ऐसे करके यहाँ पे आना हो, यहाँ पे चोरी हो रही है, ये नाम है, जो भी मतलब आपको फिल करना है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। बिजली चोरी का स्थान वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अनिवार्य चीज़ें क्या हैं, बिजली चोरी के स्थान का पता, जिला चुने, ठीक है, ये दो चीज़ें मतलब जरूरी हैं, ठीक है, तो इन्हें आपको फिल करना ही है। उसके बाद यहाँ पे लिखो फोटो वीडियो अपलोड करें यदि उपलब्ध है तो, अगर आपने कोई वीडियो या फोटो क्लिक की है बिजली चोरी करने वाले की तो आप यहाँ पे उसे अपलोड कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई बंदा मान लीजिए कटिया डाल रहा है तो आपने उसका वीडियो बना लिया, फोटो क्लिक कर दिए तो वो वहाँ पर डाल सकते हैं, या आप आपको पता कि यहाँ से इनकी बिजली चोरी हो रही है, यहाँ से डोरी कट की गई, यहीं से जोड़ते हैं, तो वहाँ का वीडियो बना लेंगे और अपलोड कर देंगे, तो उनको और भी ज़्यादा आसानी होगी पकड़ने में, ठीक है। तो वहाँ पे अपलोड कर देंगे, चूज फाइल पे जाकर के आपको वीडियो या फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा दिया हुआ है ये नंबर दिया गया है आपको ये डाल देना, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन शो होगा सहयोग के लिए धन्यवाद, मतलब आपकी कंप्लेन यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये कंप्लेन बिजली विभाग के पास जाएगी, अब वो वहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 3 दिन बाद हो सकता है अगले ही दिन मतलब कोई बिजली विभाग की टीम की तरफ से कोई भी बंदे आ सकते हैं और वहाँ पे जो आपने डिटेल सबमिट करी थी, वीडियो वाला अपलोड किया था, वो सारी चीज़ें देख करके वैसे ही आ जाएंगे और भैया वहाँ पे उसका चालान कर देंगे। तो अगर आप किसी की पकड़वाना चाहते हैं तो आप ऐसे यहाँ पर करवा सकते हैं। तो अगर गाइस आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई यहाँ पर ज़रूर। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस यही एक छोटी सी जानकारी थी। सो गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और गाइस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।